दोस्तों क्या आप जानते हैं रात के समय शिवलिंग के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इसके पीछे क्या है कथा। अगर हम शिव पुराण के अनुसार देखें तो इसमें भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की विधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्हीं विधियों में से एक सावन के महीने की रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के पास दीपक जलाना पूजा की विधि बताई गई है। अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग के पास रात के समय दीपक जलाते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं होंगी, आपको धन संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। शिवलिंग के पास दीपक जलाने से आपको धन संबंधी फायदा प्राप्त होता है। एक प्रचलित कथा के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में लगा हुआ था। उसको भोजन की तलाश करते करते रात हो गई थी और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने एक विचार किया कि रात के समय इसी स्थान पर आराम कर लेना उचित होगा, लेकिन रात का समय था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। तब उसने अंधेरे को दूर करने के लिए शिव मंदिर में अपनी कमीज जला दी थी। रात के समय शिवलिंग के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उसको अगले जन्म में कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा है तो सावन महीने में रात के समय शिवलिंग के समक्ष या उसके पास दीपक जलाना चाहिए।